1 जून से देश का सबसे बड़ा बैंक SBI अपने सेवाओं में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस बदलाव का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सर्विस चार्ज को लेकर 1 जून से नए नियम लागू करने जा रहा है। इस नए नियम के तहत SBI अपने कस्टमर्स को देने वाली सर्विस पर चार्ज बढ़ाने जा रहा है। SBI ने नए नियम के तहत फ्री कैश लिमिट को कम करते हुए 4 कर दी है। ऐसे में सर्विस अकाउंट से 4 बार ही कैश निकाल सकते हैं और इसमें ATM से निकाले गए पैसे भी शामिल हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ब्रांच और ATM मिलाकर 4 से ज्यादा बार कैश विड्रॉल करता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा, यानी कि सीमा से ज्यादा नकदी निकासी पर हर ट्रांजैक्शन 20 रुपए चार्ज लगेगा, जिस पर अलग से सर्विस टैक्स भी लिया जाएगा। हालांकि SBI के ATM से ट्रांजैक्शन करने पर 10 रुपए और सर्विस चार्ज देना होगा। इसके अलावा SBI बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाता है उस पर भी चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। 1 जून से बैंक सिर्फ रुपे डेबिट कार्ड के लिए कोई पैसा नहीं लेगा, जबकि मास्टर और वीजा कार्ड पर बैंक चार्ज वसूलेगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।